आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने चुनावों की तिथियों की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है, जिसको लेकर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक की गई। एसडीएम सत्यनारायण सोनी ने कहा कि आदर्श आचार संहिता लागू होते ही आने वाले पर्वों और कार्यक्रम करने वालों को एसडीएम कार्यालय से अनुमति लेनी होगी। साथ ही मंडलों को गरबा स्थल पर स्वयं के प्रतिनिधि व्यवस्था के लिए सुनिश्चित करना होंगे। सीएसपी ब्रजेश श्रीवास्तव ने गरबा मंडलों, दशहरा पर्व और अन्य कार्य कारणों को लेकर चर्चा की। उत्सव दशहरा का पर्व मनाया जाना है, इसके लिए प्रशासनिक व्यवस्था के तहत शांति समिति की और नवदुर्गा और दशहरा उत्सव समिति के आयोजक गणों की बैठक की गई थी, जिसमें उनको शासन के निर्देश बताते हुए आगामी चुनाव को देखते हुए जो जो आचार संहिता लगाई गई है उसका भी पालन करने के लिए उनको समझाइश दी गई है और उनको अपनी व्यवस्था लगाने, डीजे वगैरह प्रतिबंधित करने, कोई भी कार्यक्रम बिना अनुमति के एसडीएम सर से बिना अनुमति के कोई भी कार्यक्रम न किया जाए। उसमें बात यही है कि सभी को शांति के साथ में अपने त्योहारों का आयोजन करना है। धार्मिक त्योहारों पर किसी प्रकार की रोक नहीं है। आदर्श आचरण संहिता लागू हो चुकी है तो चुनाव संबंधी आदर्श आचरण संहिता संबंधी जो नियम है उन निर्देशों का पालन सभी को करना रहेगा और सभी अपना त्यौहार शांतिपूर्वक के साथ मनाए। बस यही सबको शुभकामना।